Hey everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy Homeopathy. So, आज इस वीडियो के अंदर जो मेडिसिन में डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है ड्रोसेरा। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं ड्रोसेरा से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, एक बार आप जरूर देख लेना। सो इससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप जितनी बार वीडियोज को देखोगे डिफरेंट डिफरेंट वे में। सो नाउ आई एम ट्राइंग न्यू थिंग दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड, क्योंकि आई थिंक इससे आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आए। अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोज मैं इसी मोड में बनाऊं सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक मोर गुड कंटेंट फॉर यू ऑल। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो द नेम ऑफ दिस मेडिसिन इज ड्रोसेरा, ठीक है। अब ड्रोसेरा इज मेनली जो वर्क करती है ना वो करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब हम बहुत कॉमन चीज पढ़ लेते हैं। ड्रोसेरा का कॉमन नेम क्या है? संड्यू, एंड दूसरा नाम है मुरग्रास। अब ये इंपॉर्टेंस कहाँ है? ये इंपॉर्टेंस आती है अगर आप AIBGT का एग्जाम देते हैं, जो कि MD के लिए एग्जाम होता है। सो वहां पर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू रिमेम्बर द कॉमन नेम ऑफ दिस मेडिसिन, एज वेल एज जब आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक भी मेडिसिन के बारे में लिखोगे और अगर आप उसका कॉमन नेम लिखते हो तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आप जरूर ध्यान रखिए संड्यू एंड मुरग्रास। नाउ द प्रूवर इज हेनेमन एंड फैमिली इज ड्रोसेरेसी। सो सिंपल, ड्रोसेरा की फैमिली ड्रोसेरेसी, ये चीज याद हो गई। अब बात आती है कि इसकी जो मेडिसिन है वो कैसे बनती है। सो ड्रोसेरा का फ्रेश जूस निकाल लिया जाता है, ये बनती है जूस से, फ्रेश जूस निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट द फ्रेश जूस बिफोर फ्लावरिंग, ठीक है। सो फ्लावरिंग से पहले ही इसका फ्रेश जूस निकाल लिया जाता है और उसको मिक्स किया जाता है विद द एल्कोहल टू मेक द मदर टिंचर। तो ये हो गई थी प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन। नाउ एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जो ड्रोसेरा का प्लांट होता है, मैं आपको एक इमेज में दिखाऊंगी कि किस तरीके का प्लांट दिखता है। सो जो ड्रोसेरा का प्लांट होता है उसको एनिमल्स से बचाया जाता है, अवॉइडेड बाय द एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज अगर एनिमल्स उसको खा ले तो एनिमल्स में भी वो कफ प्रोड्यूस करता है, क्योंकि द मेन वर्क ऑफ दिस मेडिसिन इज द प्रोड्यूस कफ। दिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द वूपिंग कफ एज वेल। सो इसका कफ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा कि मेडिसिन कैसे बनती है और क्या क्या बेसिक चीजें हैं। अभी हम उसके आगे बढ़ते हैं। मेनली जो ड्रोसेरा है ये वर्क करती है, इसका जो एक्शन है वो होता है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे। तो यहां से पता चल गया अगर न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे वो काम कर रही है मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पे काम कर रही है। इसके अलावा आपको याद होगी एक और मेडिसिन है, ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन है बट एलन्स की नोट में एक और मेडिसिन में लिखा हुआ है इट एक्ट्स ऑन द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। मैं आपको बता देती हूँ द नेम ऑफ दैट मेडिसिन इज एंटिम टार्ट में चीज दी हुई है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे एंटिम टार्ट को थोड़ा सी कंपैरिजन में। नाउ अब हमें पता है ड्रोसेरा का कफ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किस तरीके का कफ है हमें ये पता होना चाहिए। तो यहां पर मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक है। कफ इज स्पाजमोडिक, डीप साउंडिंग, हॉर्सनेस एंड बार्किंग। तो इस तरीके का जितना भी कफ है वो किस में होता है? वो होता है स्पेशली वूपिंग कफ में, ठीक है। तो इसमें कैसा रहेगा? स्पास्मोडिक, डीप साउंडिंग, हॉर्स एंड बार्किंग। उसके साथ साथ पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वॉमिट हो रही है बहुत ज्यादा टेनिशियस म्यूकस की, और होती भी है कुछ कुछ पेशेंट्स में टेनिशियस म्यूकस निकलता है ड्रोसेरा के पेशेंट्स में। नाउ नेक्स्ट इज हेमरेज। हेमरेज किस तरीके का होगा? हेमरेज ऐसा होगा जैसे कि कफ के जब फिट्स पड़ेंगे तो उसके साथ साथ हेमरेज होगा फ्रॉम ऑरिफिस ऑफ द बॉडी। लाइक ऐसा हो सकता है कि कभी उसके माउथ से या कभी उसके नोज से भी ब्लड आए, ठीक है। तो इस तरीके का हेमरेज देखा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द एग्रवेशन, क्योंकि जब भी आप कोई मेडिसिन पढ़ो उनकी मोडालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो व्हाट इज द एग्रवेशन? एग्रवेशन इसका होता है स्पेशली इन मिडनाइट, इन नाइट। तो इसीलिए हम इसको अस्थमा में भी सोच सकते हैं, ठीक है। अस्थमा में भी मिडनाइट एग्रवेशन है। सो इन नाइट लाफिंग, टॉकिंग, लाइंग डाउन, ये सारी कंडीशन, सिंगिंग, ड्रिंकिंग, इन सारी चीजों में कफ जो है वो एग्रावेट होगा, ठीक। तो ये सारी हो गई इसकी बेसिक थिंग्स। नाउ अभी हम इस मेडिसिन का ना थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं विद द टू मेडिसिन्स। है तो और भी मेडिसिन्स बट अभी हम सिर्फ दो के साथ ही इसका कंपैरिजन करके आपको बता रही हूं मैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो द मेडिसिन्स जो कि हम कंपेयर करेंगे वो करेंगे एक अम्ब्रा ग्रेसिया के साथ,
और दूसरी हम करेंगे एंटिम टार्ट के साथ, ठीक है। सो अमरग्रेसिया में भी जो कफ है वो कुछ इस तरीके का ही है, जैसे कि स्पास्मोडिक, हॉर्सनेस, बार्किंग, इस तरीके का कफ है, बट द कॉज इज डिफरेंट। कॉज क्या है यहाँ पर? कॉज होगा आपका जो एग्रवेशन मोडालिटीज जो है, कॉज नहीं मोडालिटीज जो है, जैसे कि आपने ड्रोसेरा की मोडालिटी में क्या पढ़ा, ड्रिंकिंग, लाइंग डाउन, मिडनाइट, टॉकिंग, सिंगिंग, उस टाइम पे एग्रवेशन है, बट इन अमरग्रेसिया वर्स इन क्राउडेड प्लेसेस। जैसा कि हमने अमरग्रेसिया के अंदर पढ़ा था कि अमरग्रेसिया में क्या है, एम्बेरसमेंट बहुत ज्यादा है, इसको इतनी एम्बेरसमेंट है कि इसका बच्चा तक स्टूल और यूरिन पास नहीं करता इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो सेम चीज यहां पर क्या है कि अमरग्रेसिया को एंजाइटी होने लगती है लोगों के साथ मिलने में, ठीक है, क्राउडेड प्लेसेस में। सो इट कॉजेज द कफ इन दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। नाउ एंटिम टार्ट, एंटिम टार्ट के बारे में भी हमने बात की थी कि इट ऑल्सो एक्ट ऑन द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, तो ये भी कफ प्रोड्यूस करती है। एंड ये जो एंटिम टार्ट है इट्स ऑल्सो वेरी यूजफुल इन एस्फेक्सिया नियोनेट्रम, जो कि बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, बच्चा हुआ है उसको प्रॉपरली सांस नहीं आ रही है, एस्फेक्सिया हो रहा है, तो उस टाइम पे वी कैन थिंक अबाउट दिस मेडिसिन, दैट इज एंटिम टार्ट, ठीक है। नाउ द कंपैरिजन ऑफ दिस मेडिसिन विद द ड्रोसेरा, तो इसका भी जो कफ है वो काइंड ऑफ सेम होता है, इसमें भी वूपिंग कफ होता है एंटिम टार्ट के अंदर, बट द डिफरेंस इज प्रोवोक्ड बाय एंगर और ईटिंग। तो इसका जो कफ बढ़ेगा, इसका जो कफ में एग्रवेशन होगा, जो वर्स होगा, वो होगा बिकॉज ऑफ एंगर एंड ईटिंग की वजह से। सो आई होप कि अभी आपको यहाँ पर कंपैरिजन भी समझ में आए होंगे, ड्रोसेरा की बेसिक जो भी आपको पेपर में लिखना है वो समझ में आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके एंटीडोट की, सो इसका एंटीडोट है कॉफिया और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है नक्स वोमिका। वी कैन ऑल्सो कंपेयर दिस मेडिसिन विद द अदर मेडिसिन एज वेल, जैसे कि आप इसको कर सकते हो कोरोलियम रुबम के साथ कर सकते हैं हम इसको कंपैरिजन, और इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं विद द ब्रोमियम एज वेल, ठीक है। यू कैन कंपेयर दिस मेडिसिन इन पल्सरेला विथ, तो ये सारे बेसिक कंपैरिजन्स हो गए। एंड अगर आपको इस टाइप का वीडियो पसंद आया है सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लव टू मेक दिस काइंड ऑफ अ वीडियो विद यू फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच टिल गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माय अदर वीडियोस ऑन दिस चैनल एज वेल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो बिकॉज देयर इज समथिंग गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच।